नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैत्तई समुदाय के बीच जारी हिंसा को 63 दिन हो गए हैं। राज्य में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। मंगलवार को थौबल जिले में भीड़ ने भारतीय रिजर्व बटालियन के कैंप पर हमला कर दिया और हथियार चुराने की कोशिश की। इस दौरान भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। हथियारों से लैस भीड़ ने ओपन फायर किया, जिसके जवाब में सेना को गोली चलानी पड़ी। 27 साल के एक शख्स की इसमें मौत हो गई है, जबकि असम राइफल्स का जवान गोली लगने से घायल हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ने कैंप तक आने वाले कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, जिससे अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां ना पहुंच सके, लेकिन फोर्सेस किसी तरह आगे बढ़ पाई है। और इसी बीच भीड़ ने जवानों की गाड़ी को भी आग लगा दी है।